टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में देर रात दुस्साहसी बालू माफिया और उसकी गुर्गों ने मिलकर पुलिस जिप्सी पर पथराव कर दिया। वहीं इस पथराव में पुलिस अवर निरीक्षक अनिल सिंह और हवलदार अब्बास खान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस जिप्सी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए मौके से दो बाइक को जब्त करते हुए पथराव कर रही एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बालू माफिया बजरंगी यादव इस दौरान बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही अहले सुबह डीएसपी विधि व्यवस्था निसार अहमद खान ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया। डीएसपी ने भी घायल पुलिसकर्मियों से मामले की पूरी जानकारी ली है। इस दौरान डीएसपी ने जांचों उपरांत पथराव में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। गाड़ी सर घाट पे था या गांव में ही था? गाड़ी उन्हीं से आया है भागते, हम पीछा करते आ रहे हैं। अच्छा, गांव पहुंच गए पीछा करते। गांव पर का लगल है पहले के गाड़ी है, जैसा मुझा ऊपर से नीचे तक पाकर से जुबल गाड़ी है। कितना गाड़ी था? दो गो था। दोनों फरार हो गए? दोनों भालू लोडे हो गए। भालू लोड था? नंबर उमर तो सर ने ध्यान दिया है? नंबर ध्यान दिए? नंबर ध्यान में आया है। कहाँ से बालू निकालता था सर? बुढ़िया अच्छी से निकालता। कौन नदी सर? बुढ़िया बोलता है। बुढ़िया नदी वहीं से निकाल के जा रहा था। हाँ, वही पीछा किए थे वही जगह पर। कहाँ चोट लगी है? हमरा बेटा पुतौह सब बाहरे।